और भाई कहाँ जा रहे हैं भाई हम? 32 पर्वत 32 पर्वत यानी कि 3 पर्वत ठीक है। वाह भाई कौन कौन तो नचीने भाई, चलो भाई चुप चलो यार, डर डर के मत चलो। अरे बाबा के चरण दरबार में गलती कर रहा है, लेट मतलब रुक जाओ। क्या ये कौन सा डांस था? ये कौन सा डांस था? ये वीडियो बंद करो। तीन पहाड़ के ऊपर चलते हैं और दर्शन कराते हैं आपको भी। तीन पहाड़े देख सकते हो, देखो पीछे मूर्ति लगी हुई है और ये हमारे हनुमान जी पीछे, और ये आगे आगे बकरी है। शक्ल तो दिखा दो एक बार, देखो कितना तो मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। गिरोजी हमारी पार्टी पीछे आ रही है, देखो चलते हो। हम पहले पहाड़ हमारा पूरा हो चुका है, अब हम दूसरे पहाड़ पर जाएंगे, देखते हैं वहाँ जाकर कितना मजा आता है। यहाँ तो बहुत मजा आया है, बहुत एंजॉय करा हमने ऊपर आ जाए थे। अरे चल रहे हैं बहुत पहाड़ की तरफ, चल। और ये हमारे पीछे देख रहा फोन, बोलो भाई साहब क्या कहना चाहते हैं? कर रहे हैं विश्राम विश्राम और अभी हम लेंगे एनर्जी ड्रिंक। अच्छा, तो ये भाई साहब भी देख रहे हैं बहुत देर से, इनकी भी मुस्कुराहट को क्या दी जाए, क्या दी जाए, लाइक दी जाए, लाइक दी जाए, और उसी लाइक को कमेंट लिख देना कि कैसी लगी मुस्कान। ठीक है भाई, वैसे थोड़ी बहुत थकान सी हुई है पर इतनी ज़्यादा नहीं हुई है। जय श्री राम। और जल्दी जल्दी चलते हैं ऊपर, बेचारी थक गई है हमारी, शावर थक गई है। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। थक गई और आज ले थक गई है और क्या काम जो कर सकते हैं। तो भाई देख सकते हो आप कितने छोटे मंदिर बने पड़े सारे ना, और अब ये चल रहे हैं दूसरे पहाड़ के ऊपर। हम देखो खेती हो रही है, खेती यहाँ पहाड़ों के नीचे खेती हो रही है। ये क्या बना, इधर बंजर पड़ा सारा, इधर खेती हो रही है, ये छोटे छोटे मंदिर बन रहे हैं। कितने सारे छोटे 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 मंदिर बन रहे हैं। हम शेरू भाई के साथ आए हुए हैं, तो शेरू भाई हमें आगे की विशेषता बताएंगे कि शेरू भाई कम से कम 50 बार आ चुके हैं यहाँ पे। शेरू भाई हर बार आते हैं, हर महीने यहाँ पे। तो जय श्री राम सभी भक्तों से। ये तीन पहाड़ियों का नजारा है, जैसे कि सभी जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ तीन पहाड़ी पे माँ काली और पंचमुखी बालाजी और भैरव विराजमान है। और जो कि आप सब जानते हैं यहाँ बंधन काटे जाते हैं, जो संकट अगर किसी भक्त पे हो तो यहाँ संकट काटे जाते हैं, बंधन काटा जाता है। और यहाँ जंतर भी बनाई जाती है, जैसे किसी पे कोई ऊपरी संकट हो तो वो सब यहाँ उपलब्ध है। और जो भक्त अगर नीचे आते हैं बालाजी पे दर्शन करने, वो तीन पहाड़ी पे जरूर आएं और यहाँ भक्त आके दर्शन करें, और संकट जो आपका कुछ ऊपरी चक्कर हो वो यहाँ संकट काटा जाता है। बोल बालाजी महाराज की जय। तो जैसे कि शेरू भाई ने आपको बताया कितना सारा कि यहाँ पे संकट काटे जाते हैं, तो भाई बहुत ज़्यादा फायदेमंद है आपके लिए। आइए मेहंदीपुर बालाजी, तो सभी लोग आए दर्शन करें आगे अपने। और ये है जो तीन पहाड़ी बताई जाती है यहाँ पे प्रसिद्ध,
दिख नहीं रहा ले सकते हैं राजस्थान पहाड़ का भाई और देख सकते हैं कैसी खेती है यहाँ पे। तो सच में एक पहाड़ तो वो भी है सामने। अब चल रहे हम नीचे दर्शन होने के बाद। तो जैसे कि आप देखते हो अभी फोटो शूट चल रहा था बच्चों का, हमने नहीं कराया, अच्छा नहीं लगा हमें क्योंकि फोटो बहुत ज़्यादा ब्लर दे रहे थे वो, इसलिए अब दर्शन हो गए हम जा रहे हैं नीचे। अभी हम जाएंगे रूम पे अपने, वहाँ जाके आराम करेंगे। भाई बहुत मजा आया और बहुत आनंद आया, ऊपर दर्शन बहुत बढ़िया तरीके से हुए और दिल खुश हो गया भाई। हाँ भाई बहुत मजा आया हमें, एक बार जरूर आ जाना। आना भाई अपनी फैमिली के साथ में, बहुत अच्छी जगह है, काफ़ी ज़्यादा घूमने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। आप फोटो खिंचवा सकते हो आके अपने फैमिली के साथ में, राजस्थान लोग राजस्थानी स्टाइल में और मतलब राजस्थानी फूड को ट्राई कर सकते हैं आके। काफ़ी सारी चीज़ें, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ पे खाने के लिए और रेट भी बहुत ज़्यादा कम है यहाँ के खाने के, तो आप आ सकते हो। लो बजट बहुत ही अच्छा, घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है और साथ में ही दर्शन, सबसे बड़ी दर्शन, इतने सारे एक ही साथ इतने सारे दर्शन हो जाते हैं कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये भाई जो बालाजी में बताते हैं कि भूत है प्रेत है, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये मतलब भूत वूत कुछ नहीं होता, थोड़ा होता है पता नहीं, हमें तो कुछ लगा नहीं है। तो भाई मंदिर वंदिर घूमने के बाद में और भाई हम बाहर खाना खाने के लिए आए थे और खाना खा चुके हैं और देख सकते हो जैसे कि धूप कितनी पड़ रही है, पैर वगैरह जल रहे हैं और ये भाई कपल जा रहे हैं ठीक है। और